नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। इस समय हम मौजूद है अग्रसेना मुख्य कार्यालय विरार में। यहां आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था अग्रसेना के द्वारा। ये कार्यक्रम है डार्क साइड ऑफ वसई विरार। ये एक वेब सीरीज लॉन्च करने वाली है अग्रसेना, उसका टीजर लॉन्च किया गया है। और इस टीजर लॉन्चिंग में आप नाम देख सकते हैं, रविंद्र चौहान, राजेंद्र गावित, इस तरह से बड़े नेता और कई सभी पार्टी के सर्वपक्षीय लोग यहाँ शामिल होने वाले थे। रविंद्र चौहान जी नहीं आ पाए, उन्होंने यहाँ संदेश दिया अपना वीडियो माध्यम से, वो कहीं बाहर अपने दौरे पे चले गए। और राजेंद्र गावित भी अपनी व्यवस्था के चलते नहीं आ पाए। उनके अलावा वसई विरार की तमाम पार्टियों के लोग यहाँ एक साथ दिखाई दिए। और कहीं ना कहीं ये टीजर जो लॉन्च किया गया, उसके बाद में यहाँ अग्रसेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए वीडियो में आगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। पाटिल यानी डार्क साइड ऑफ वसई विरार ही वेब सीरीज करण्याचं ठरवलं आहे। त्यांच्याबरोबर अनेक सहकाऱ्यांनी या वेब सीरीज मध्ये स्वतःच योगदान दिलेलं आहे। खर तर आज मला त्यांनी या वेब सीरीजच्या रिझल्टच्या ओपनिंगसाठी बोलवलं होतं, परंतु एक वेगळ्या बैठकीसाठी मला पुन्हा इथे जावं लागल्यामुळे मला आज या कार्यक्रमाला येता आलं नाही। मी सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो आणि कैलाश पाटील आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी विधान त्या या भागातील आणि काही विषय प्रामुख्याने मांडण्याचा प्रयत्न केला, असं मला त्यांनी सांगितलं। काका, आज जो वेब सीरीज का टीजर लॉन्च किया गया, क्या उसकी परिकल्पना है और आज ही का दिन क्यों उसके लिए चूज किया? कैसा था ये कॉन्सेप्ट जो था हमारा, एक साल से चल रहा था और ये राइट टाइम हमको लगा, क्योंकि आज इलेक्शन है। इलेक्शन में लोगों को ये जो 90s में जो बात हुई है वो मालूम होना चाहिए और अभी क्या चल रहा है। उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा सा चेंज किया है। पहले वो लोग डायरेक्ट, पहले उन्होंने 90s में स्मगलिंग की, पहले स्मगलिंग उन्होंने दारू बेची, फिर जैसा मेरे दोस्त विजय जी ने बोला चावल बेचा, उसके बाद वो डबल नेट का कपड़ा लाया, फिर उन्होंने देशद्रोही के सब आइटम है, उसके बाद उन्होंने अपना ट्रांजिस्टर, टीवी, रेडियो, इसकी स्मगलिंग की, उसके बाद उन्होंने सिल्वर और वेल ऑर्गेनाइज्ड था, सिल्वर और सोना की स्मगलिंग की। उसके बाद राजकारण में आके 95-97 में राजकारण में आए, फिर इन्होंने वे ऑफ एक्शन, उन्होंने स्मगलिंग का जरिया बदल लिया, उन्होंने लोगों को लुबाड़ना चालू किया, लोगों की ज़मीन लुबाड़ी और उसमें बहुत पैसा बनाया उन्होंने। उसके बाद आज इतने लोगों की, वो आदिवासी है, आगरी है, कोली है, मेरे पास कम से कम 300 केसेस है, मैं लड़ रहा हूँ उसके लिए, अच्छी तरह से लड़ रहा हूँ। और दादागिरी ऐसी, अभी देखो ना, एक अभी उनका जमाई है डॉक्टर नितिन थोरवे करके, हमारे विजय ने अभी उसकी बाइट दी है, जो औरत का उन्होंने एग्रीमेंट किया है, वो औरत आके बोलती कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। आप समझ लो, जो एग्रीमेंट जिन्होंने किया है वो लेडी की माँ, लेडी की बेटी करके उन्होंने उनको खड़ा किया है और उसके ऊपर 19 करोड़ रुपीज़ लोन लिया है। आप सोचो एक बात, 82 घंटे पे 90 करोड़ रुपया लोन लिया है और वो शेतकरी को एक भी पैसा नहीं दिया है, जमीन भी उसकी नहीं और लोन भी क्या बैंक ने दिया है। ऐसे मेरे पास बहुत है, जैसा अभी हम लोग बोलते हैं, यहाँ के जो कलेक्टर है उन्होंने आके खुद ने बोला है कि स्ट्रक्चर तोड़ना चाहिए। वो हमारी एक बाइट आई है, आपने देखी रहेगी, 1.5-2 साल पहले, अभी उसमें एक ऑर्डर दिए है। देखो जब एक इधर सब वकील सीनियर काउंसिल भी है, जब कोई केस जुडिशरी में रहती है तो उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं आ सकती है। जुडिशरी जब केस रहती है उसमें PIL है और उसमें ऑर्डर दी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने। क्या है ये, क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ पुलिस प्रशासन गरीबों को मदद नहीं कर रहा है, यहाँ रेवन्यू का प्रशासन पुलिस को गरीबों को मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ गरीबों को लूटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो लीडर है वो खुद भ्रष्टाचारी है। इसलिए मेरा कहना है सभी यहाँ के भूमिपुत्रों को, फिर वो
कैथोलिक रहे, मुस्लिम रहे, आगरी रहे, कोली रहे, वाडवल रहे। अभी वो वाडवल है, एक कोली है, ऐसे दो बड़े केसेस है जिसमें पाम 5 जन है। अजीव पाटिल है पाम में, अजीव पाटिल है, हेमंत म्हात्रे है, पंकज ठाकुर है उसमें, तेंदुलकर है और जीतू भाई शाह, ये 5 जन है। आप सोचो, आप गए अपना वसई का जो ग्राउंड है बस डेबो के सामने, 5 एकड़ की जमीन है, उस शेतकरी को कुछ दिया नहीं। परसों आया था मेरे पास कि मेरे को सेटल करके दे, बोलो बजाऊंगा, सेटल नहीं करूंगा। ये लोगों ने, और इनके पांच वाइफ है, इनकी वाइफ ये वाडवल, वो आया था मुझे बोला मैं वाडवल समाज का हूँ और मेरे को वाडवल ने लूटा है। तो आखिरी वाडवल को भी मदद कर रहा है, कैथोलिक को कर रहा है, मेरे मोमिनियन साथी मेरे साथ में, सब जन साथ में आके आज अपना जो हक है जिसके ऊपर आप वोटिंग करते हैं 20 तारीख को, मेरे हाथ जोड़ के किसको भी मतदान करो। ये जाएंगे कहाँ? इन अपन मीडिएटर क्यों बनना का? एक तो आप कांग्रेस को दो, एक तो आप शिवसेना को दो या बीजेपी को दो, मगर एक कहाँ जाएंगे? उनके पास ही जाएंगे। तो डेवलपमेंट जो आनी है विरार वसी में, पैसा कहाँ से आएगा? जिनकी मेजोरिटी रहेगी उधर बराबर, या स्टेट में जिनकी मेजोरिटी रहेगी, जो अच्छे लोग हैं उनको वोटिंग करो। एक गुंडों को जिन्होंने यहाँ के समाज को लूटा है उनको वोटिंग मत करो, ये मेरा कहना है। और इसके लिए मैंने ट्रीजर आज लॉन्च किया है। आगरी सेना ने अब तक किसको जाहिर पार्टी में दिया है ये घोषणा नहीं की, उसके बावजूद आपके मंच पर सभी पार्टियों के लोगों को आपने इकट्ठा करके क्या संदेश देने की कोशिश? देखो मैंने क्या बोला आपको, वही बोल रहा कि सब जन एक साथ हो। इनके पहले जो मराठी मध्ये म्हणतात ही कीड लागले लिए, ही पिवळी कीड है, या पिवा कीडला पहला समाप्त करा आणि मग बाय असेल ते बघा, त्याच्यासाठी एकत्र आहे। लेकिन सवाल ये है कि एक ही मंच पर आपने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मनसे और सबको बुलाया, तो मुझे जो लगा मैंने किया। देखो जो किसको आगरी सेना मदद करेगी वो माननीय राजा रामजी साल भी तय करेंगे, वहां से आ जाएगा कल परसों में, वो जो बोलेंगे वहां हम मदद करेंगे। हमको ठीक नहीं लगा तो हम जाके रिक्वेस्ट करेंगे राजा रामजी साल्वी के, बोलो विरार वसई को छोड़ो, हमारे जो अच्छा विरार वसील के लिए वो सोचेंगे और उनको मदद करने के लिए बोलेंगे। काका क्या लगता है ये टीजर लॉन्च होने के बाद कहीं ना कहीं जो यहाँ की सत्ता पक्ष है उसमें खलबली मचेगी और आने वाले समय में इसका कुछ असर होगा, बदलाव देखने मिलेगा? देखो आप है कितना असर होता है। आज आप देखो, आप जितने लोग थे एक भी आदमी अपने चेयर से हिल नहीं रहा था, एक आदमी हिल रहा था चेयर से, हर एक के भाषण हो रहे थे, एक आदमी हिला गया चेयर से नहीं, हर एक वेरी कॉन्सेंट्रेटली हर एक सुन रहा था। विरार वसी की जनता एजुकेटेड जनता है, मैं बोल रहा हूँ वापस, विरार वसी की जनता एजुकेटेड है। 20 तारीख को दिखाएगी क्या सत्य है, इसका फायदा किसको होगा देख लो। इतना तय है कि ये कीड़े वाली पार्टी है, इनका डिग्रेडेशन चालू हो गया। आचार संहिता होते हुए क्या इस तरह के कार्यक्रम की? ये तो मेरा प्राइवेट प्रोग्राम है, मेरे प्राइवेट प्रोग्राम में मैं कर सकता हूँ। आचार संहिता है तो अच्छी चीज बताइए ना, आपको क्या गलत भी चीज बताई? इसके लिए मेरे को जेल होती थी, मैं तैयार हूँ। अच्छी चीज बताना, लोगों में संदेश अच्छा जाना, परिवर्तन करना, ये जो गलत चीज है, तो मेरे को जेल होती तो मैं जाने के लिए तैयार है। मेरे साथ बहुत लोग आएंगे ना रे, आएंगे बस। पाटिल साहब आपसे एक सवाल ये, देखो अभी हमारी दीदी है इधर, क्या हालत है ये दीदी, ये जो है इनके लिए भी हम लड़ रहे, ये दीदी के लिए भी लड़ रहे और ताकत से लड़ रहे। 60 पुलिस आई थी, अलग ना 60 पुलिस होती, मगर हाथ नहीं लगा कि उनकी जमीन है उधर, और वहाँ का महापौर नालायक महापौर है, वो प्रेशर कर रहा है। हमारा सिंपल है, हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, उसमें भी हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं, डेवलपमेंट होनी चाहिए, मगर वहाँ का फार्मर एक कोली समाज से, वहाँ का फार्मर अपना शेतकरी जगला पाहिजे एवढंच आपलं मन आहे। त्यांची जागा आहे, पेपर बघा, खोटे पेपर कसे केले ते बघा, आमचं तेवढंच म्हणणं आहे, आमचा शेतकरी जगला पाहिजे, बाकी डेव्हलपमेंटच्या विरुद्ध आम्ही नाही आहोत। पाटील साहेब लोकसभा चुनाव का समय है और चुनाव इस समय में आप ऐसे मंच पर हो जहां आपके विरोधियों भी है, विरोधी पक्ष भी है, आप एक साथ मंच साझा कर रहे हो, तो कैलाश पाटील के प्यार के लिए आए, आगरी सेने का प्रोग्राम है, पक्ष का प्रोग्राम नहीं है, अलग संदेश नहीं जाएगा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं हमेशा बोलता है भाई कोई भी पक्ष में हो, पहला मेरा पक्ष है वसई कर, ये सबसे बड़ी बात रहती है। तो जो भूमि में अपन पैदा हुए हैं, जिधर लोगों को भला करना वो अपना कर्तव्य है, और वो कर्तव्य करने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला, मेरे को कोई परवाह नहीं है। मेरे को पर कोई पक्ष ऑब्जेक्शन लेगा
या कुछ कानून लगेगा तो वसई करके अच्छे के लिए हुकुमशाही तोड़ने के लिए वसई करके अच्छे हम लोग के लिए एक साथ है। और उसके क्या विचार है? उसके लिए जो काका जो करते है वो अप्रतिम काम है, उसके लिए बहुत डेयरिंग लगता है और वो भगवान ने हमारे काका को दिया है और हम उसके साथ में है। आपने अपने भाषण में कहा कि कहीं ना कहीं बाद में जब वरिष्ठ पार्टी के वरिष्ठ जन है वो इनका सपोर्ट लेते हैं, यहाँ भोजन का थागड़ी का, कल को अगर आपकी पार्टी जीतती है और वो भी इनका सपोर्ट लेंगे तो क्या आप अपने वरिष्ठ को ये बात कहेंगे? मैं लास्ट टाइम में भाषण में बोला नहीं, लास्ट टाइम में 14 में जो खासदार की कांग्रेस ने उनको छोड़ी थी तभी मैं कांग्रेस में सचिव था और जिला अध्यक्ष हमारे डोमिनिक डिमेलो साहब थे, तो मैंने वसई में मीटिंग लगाया कि ऊपर के लोग हैं ना उनको सीट छोड़ती है, अलायंस करती है मगर कमिटमेंट लेती नहीं, जब तक उसको खासदार की छोड़ती और अपने लिए 2 MLA वो छोड़ेगा नहीं तो अपन प्रचार को जाने का नहीं। उसके लिए मैंने पूरा अपना कोशिश किया, मैं कभी भी उसके प्रचार में गया नहीं, जो जो उनके फायदे के लिए जो पक्ष में होते वो लोग उसके कांग्रेस वाले घूमे हमारे वसई के, मगर मैं सचिव होके भी गया नहीं। मेरे को ऊपर से आदेश आया, कृपा शंकर सिंह आया कि तुम सचिव है कांग्रेस का आदेश पालना पड़ेगा, भला मैं बिल्कुल पालेगा नहीं, जो करना है वो करो, मैं उसके प्रचार में घूमेगा नहीं और मैं घूमा नहीं। तो ये सोच जो है ना हर पक्ष के लोगों ने अगर किया तो यूं परिवर्तन हो जाएगा दो मिनट में। एक आखिरी सवाल, मंत्री रविंद्र चौहान जी तो कई कारणों से बाहर थे, नहीं आए, उन्होंने अपना संदेश भी दिया, लेकिन राजेंद्र गावित नहीं आए, क्या कारण है? नहीं, राजेंद्र गावित साहब का भी फोन भी आया, वो ऑलरेडी प्रचार में चल रहा है, वहाँ राम नाईक साहब आए हुए सातपट्टी में, तो उधर उनको लेट हुए और ट्रैफिक बहुत ट्रैफिक है, 7:30 बजे आने की बात की थी, उनके ट्रैफिक की वजह से आए नहीं। काका, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावी माहौल है और लोग डर गए हों? जिस तरीके से ये टीजर लॉन्च हुआ है तो कहीं ना कहीं ये खतरा तो नहीं, मुझे नहीं लगता है। गावित साहब मेरे साथ में, मैं गावित साहब के साथ में हूँ पहले से, अभी गावित साहब ने 3 दिन पहले पार्टी बदली है, तो हमारे जो उच्च स्तरीय अग्रसेना के लोग महाराष्ट्र कमेटी और राजा रामजी साल भी जो बोलेंगे उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। हम तो एक सैनिक है, समाज के लिए काम करते, उनको डिसाइड करने दो, क्या हमारे राहुल जी साल भी आए हैं वो डिसाइड करेंगे उसके ऊपर हम। चलो, हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।